क्या आप चाहते हैं कि मैथ की हड्डी तोड़ पढ़ाई हो? आप चाहते हैं कि ऐसे पढ़ाया जाए कि एकदम हड्डी तोड़ पढ़ाई चले मैथ की? ओ, मैं आपकी हड्डी तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मैथ की हड्डी तोड़ पढ़ाई की बात कर रहा हूं। यदि आप चाहते हैं कि मैथ की हड्डियों को तोड़ तोड़ के पढ़ा जाए, तो आप जुड़िए मेरे साथ। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको बता दूंगा कि मैथ की हड्डी तोड़ पढ़ाई कैसे होती है। आप कहीं पर भी किसी भी स्टेप में आप मैथ के जो उलझन भरे क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, आप उसको समझने में आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं ऐसे हड्डी तोड़ मैथ की पढ़ाई कराने वाला हूं इस चैनल के माध्यम से। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं संग संग उसको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अप टू डेट होकर वीडियो देखे और मैथ में अच्छे से अच्छे नंबर लाए हड्डी तोड़ पढ़ाई के साथ। तो आप सभी को मैं बता दूं कि मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का मैथ सॉल्व कराता हूं हिंदी मीडियम से। काफी स्टूडेंट इसका बेनिफिट्स उठा रहे हैं, आप भी उठाइए। देखिए मैथ को कितने आसानी से पढ़ा जा सकता है, सवाल को कितने आसानी से बनाया जा सकता है, उलझन भरे सवालों को, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आज मैं चैप्टर 13 का यानी वेरिएशन का क्वेश्चन नंबर 4 का 3 सॉल्व कराने जा रहा हूं। और इसके पहले आप नहीं देखे हैं तो जाइए मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख कर आइए, वहां पर मैंने सॉल्व किया है गोलक, जो गोलक जो है जो माथा गोल करता था। आप जब मेरे सारे वीडियो को देखोगे तो आप, बल्कि गोलक गोल हो जाएगा और आप बिल्कुल ही विनर बन जाएंगे। शंकु जो बर्थडे वाला टोपी होता है, मैंने उसको भी इस तरह करके घुमाया कि फिर क्या बोले, वो कहां जाकर गिरा, फिर अब दूसरे बर्थडे में ही आएगा। और उसके बाद बेलन जो इधर गिरा था, इधर लटका था, उधर था, मैंने उसे भी बहुत आसानी से सोल्व करा दिया अपने चैनल पर। यदि आप वो सब नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, नाम लिखा हुआ है क्लास 10 बेलन, क्लास 10 गोलक, क्लास 10 शंकु, जो आपके इस बार के सिलेबस में है। और एक खास बात, जो चैप्टर नंबर 5 है उसका भी मैंने एक अंश सोल्व किया, ब्रॉड से लेकर शॉर्ट तक, एमसीक्यू से लेकर ऐसे तक सारे क्वेश्चन को मैंने सोल्व किया। आपके बुक को एक अंश मिल जाएगा हमारे चैनल पर जो मैंने सोल्व किया हूं। ओके, ओ कुछ बच्चे वेट कर रहे हैं कि सर मेरा नाम कब लेंगे। आप लोग का नाम जरूर लेंगे मैं, कि आप लोगों ने काफी मेहनत करके आपने कंटिन्यू अपना बनाए हुए हैं, कंटिन्यू जुड़े हुए हैं चैनल से और सही जवाब देते हैं। आप लोग जो मेरे पिछले वीडियो की पहेली थी उसका सही आंसर था जलकुंभी। आप क्लेम बाय डोमिनस भी याद करके रखोगे, ज्यादातर ये यूज होता है क्वेश्चन में। और सबसे पहला कमेंट जो आया था नैना का आया था। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद नैना को, जिसने सबसे पहले विनर बनी है ये। और 2 नंबर पे दीपाली का कमेंट रहा और 3 नंबर पे रोहित का कमेंट आया। ठीक है, और आज की पहेली आप सुनिए, नहीं बोलूंगा मैं अभी, नहीं बोलूंगा, बाद में बोलूंगा, आप जुड़े रहे हमारे साथ। तो देखिए आज का जो सवाल हो रहा है हमारा, देखिए सवाल क्या है आज का, कि एक्स वाई के साथ सरल समानुपात है। पहले बस इतना को ही हम लोग तोड़ेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, बस इतना, पूरा नहीं पढ़ना है, पूरा पढ़ने से कंफ्यूजन क्रिएट होगा। बस इतना करेंगे, एक्स वाई के साथ सरल समानुपात है, लिख दिए, चूंकि एक्स वाई के साथ जो सवाल में बोला है उसी चीज को यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, सरल समानुपात है, सरल समानुपात है, यानी एक्स प्रोपोर्शनल वाई मैंने लिख दिया। ओके, अब उसके बाद इतना हड्डी टूट गया इसका यहां से यहां तक। अब चलिए, एवं जेड के साथ व्युत्क्रम मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था बिलो, तो लिख देंगे, चूंकि एक्स माने एक्स का ही बात बारे में बता रहा है कि एक्स वाई के साथ सरल एवं जेड के साथ व्युत्क्रम, एक्स जेड के साथ व्युत्क्रम समानुपाती, व्युत्क्रम समानुपाती है, जो यहां पे लिखा हुआ है वही मैंने यहां पे लिख दिया। अब इसको कैसे दिखा देंगे, देखिए x प्रोपोर्शनल 1 बाई जेड हो गया,
ये क्या हो गया x प्रोपोर्शनल 1 बाय z हो गया, क्योंकि व्युत्क्रम में 1 बाय होता है। यदि आप नहीं देखे हैं वीडियो शुरू से तो आप जाकर प्लेलिस्ट में पहले देखिए, जो वेरिएशन का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 बन चुका है, पार्ट 4 भी बन चुका है, ये पार्ट 5 है, आप जाके उन सारे वीडियो को जरूर देखेंगे। तो हम इसको ऐसे लिख दिए। अब देखिए सवाल में क्या बोल रहा है, समानुपाती x बराबर 5 एवं z बराबर 9 होने से y बराबर 5 एवं z बराबर 9 होने से x बराबर 1 बाय 6 होता है, तो एक्स वाई जेड में संबंध ज्ञात करें। काफी कॉम्प्लेक्स देता है सवाल, ताकि आपको प्रॉब्लम हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जब तक मैं हूं। चलिए देखिए इसको अब हम कैसे कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं, मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया था कि जब एक ही चल राशि का अलग अलग चल राशियों के साथ अलग अलग संबंध होता है तो उसको हम लोग यौगिक भेद बोलते हैं, यानी ज्वाइंट वेरिएशन बोलते हैं। तो हम इसको कैसे करेंगे, यौगिक भेद द्वारा, यौगिक भेद द्वारा क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं x प्रोपोर्शनल, ये देखिए y ऊपर में ये था ना y और z ये रहा, तो ये हो जाएगा y बाई z। अगर इसको हम थोड़ा सा सोल्व करेंगे, अगर आगे इसको थोड़ा सा सोल्व करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, और या क्या लिख सकते हैं x, ये जो प्रोपोर्शनल का चिन्ह है किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, कमेंट कीजिए जल्दी, जल्द से जल्द कमेंट करना है आपको, यानी ये हो जाएगा बराबर में। और हम यहां पर क्या लिख दिए, और ये लिख दिया y बाई जेड लिख दिया, ओके। और इधर लिख दिया चूंकि k इक्वल टू वेरिएशन सम कॉन्स्टेंट, क्या हो गया वेरिएशन कॉन्स्टेंट हो गया। तो आप इतना दूर जरूर समझे होंगे। अब चलिए हम लोग इसके यहां तक आप करने के बाद अब चलिए आगे हड्डी तोड़ पढ़ाई किया जाए। y बराबर 5, z बराबर 9 और x बराबर 1 बाई 6 हो तो अब इसका मान हमें यहां पे पुट अप करना है। मैंने लिखा x बराबर क्या लिखा हुआ है, k y बाई जेड। अब आपको पता है कि k जो है y के साथ गुणा है, चलिए उससे अभी कोई मतलब नहीं है, बाद में मतलब होगा। तो x का मान क्या है 1 बाई 6 बराबर k हो गया, y का मान क्या है 5 और z का मान क्या है 9। फिर मैंने क्या हुआ, k का मान हमें चाहिए, तो k बराबर क्या हो जाएगा, ये जब इधर आ या ये इधर जाए कोई कहीं पर, चलिए मैं इसको इधर ला देता हूं, तो आपका क्या हो जाएगा 1 बाई 6 गुणे ये 9 बाई क्या हो जाएगा 5। आप जानते हैं कि अगर कोई भी भिन्न भिन्न में होता है, अगर कोई भी संख्या भिन्न में होती है और वो अपना साइन चेंज करती है तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे चला जाता है, जो मैंने यहां पे किया। अब इसे कट कीजिए, दोनों जो है आपका 3 से कट रहा है, 3 दुना 6 3 का 9, यानी ओ आर के बराबर आपका क्या आ जाएगा 3/10, ओके। तो यहां पर के का मान आ गया 3/10। अब आपको आगे क्या करना है, अब इसे कोई खास जरूरत नहीं है, हमें बाद में जरूरत पड़ेगा इसे, आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। अब देखिए यहां पे जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया था कि एक्स वाई जेड में संबंध ज्ञात करें, एक्स वाई जेड में कैसा संबंध है, तो एक्स वाई जेड में हमारा जो था यहां पे लिखा हुआ तो वही संबंध था, तो हम लिख सकते हैं चूंकि इसलिए लिखिए, इसलिए एक्स वाई जेड में संबंध, कैसा संबंध है आपका, देखिए संबंध बराबर क्या था, x बराबर k y बाई क्या था z, ओवर आप कर सकते हैं x बराबर k का मान कितना आया है 3/10 और ये क्या हो जाएगा y बाई z, यानी आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर ये इसके साथ गुणा में है 3y/10 z, यही इसका क्या हो गया संबंध हो गया और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो आपका ये पहला जो क्वेश्चन किया था एक्स वाई जेड में संबंध, ये संबंध हो जाता है, इसलिए एक्स बराबर जो संबंध वाली बात है 3y/10z हम लिख सकते हैं आंसर, ओके। अब चलिए चलते हैं कि जो हमारा दूसरा क्वेश्चन किया गया है कि y बराबर 6 जेड बराबर 1/5 हो तो एक्स का मान ज्ञात करो, उसको सोल्व करेंगे, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। जब y बराबर 6
जेड बराबर 1/5 तो एक्स बराबर क्या होगा, बहुत ही आसान है। आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिए, इधर उधर मत देखिए, पूरा ध्यान लगाइए यहां पर। देखिए आप जानते हैं हमारा है एक्स बराबर के वाई बाई जेड, ओके मैंने ओ आर किया, फिर मैंने लिखा एक्स, एक्स का ही मान हमें चाहिए के, के का मान हम अभी निकाल चुके हैं, क्या आया है 3/10। चलिए अब इसको गुणा कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में गुणा का ही संबंध है, तोड़ के हटाइए उन दोनों को, अलग अलग कीजिए, गुणा किया अलग कर दिए, चल तू अपने रास्ते या अपने रास्ते। y का मान क्या है 6 और z का मान क्या है 1/5 है। फिर मैंने OR किया x बराबर, इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए, 3/10 क्या हो गया 10 × 6, ये बड़ा बेटा किसमें बदल जाता है गुणा में, और ये जो संख्या नीचे की होती है भीड़ में होती है, तो ये भी अपना जो होता है स्थान चेंज कर लेता है, अंश बन जाता है, हर हर बन जाता है अंश, तो ये ऊपर जाएगा तो 5/1 क्या हो जाएगा 1। अब इसे कुछ नहीं करना है, कट करना है, ये 5 × 2 क्या हो गया 10, ठीक है, इससे आप इसको मत काट देना, ये गलत हो जाएगा, इसके नीचे चलिए 1 कर दिया, तो ये जो 3 और 6 ऊपर में ही है, 2 से तो 6 कट सकता है 3 दान में, जो बचा सबको आप गुणा कर दीजिए, यानी x बराबर क्या हो गया 9। ओके हमसे पूछा ही था कि x का मान क्या होगा, लिख सकते हैं इसलिए x बराबर एक 9 आंसर आ गया, और फाइनली आपका ये सवाल भी यहीं पर पूरा हो जाता है। अब हम चलते हैं आगे, स्टूडेंट जो है वेट कर रहे होंगे कि सर क्वेश्चन कब पूछेंगे, हम उसका जवाब दें ताकि हमारा नाम बोला जा सके। चलिए क्वेश्चन भले ध्यान से सुन लीजिए, लाइफ साइंस का भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं क्लास 10 से जुड़ा हुआ, ताकि आपके प्रिपरेशन भी पता चल सके कौन कितना अच्छे से प्रिपरेशन कर पा रहा है। आज का क्वेश्चन सुनिए, कौन सी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, कमेंट करके बताना है वो कौन सी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, जल्द से जल्द कमेंट कीजिए, जल्द से जल्द कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपका नाम अनाउंस कर सकूं अगले वीडियो में, मास्टर ग्रंथि के नाम से कौन सी ग्रंथि जानी जाती है। चलिए सवाल चलते हैं 5 के 1 नंबर में, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाई होने से दिखाए कि एक्स प्लस वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स माइनस वाई। देखिए इसको कैसे आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं, ये एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाई है, ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं ओआर एक्स, ये किस चीज में बदल जाएगा, बराबर में के लिखा वाई लिखा, और यहां पे लिख दीजिए चूंकि के इक्वल टू वेरिएशन, वेरिएशन कॉन्स्टेंट लिखिए, वेरिएशन कॉन्स्टेंट, ओके। चलिए अब हम यहां पर ऐसे कर सकते हैं, और एक्स ये जो वाई है इधर आ सकता है, बटा वाई इक्वल टू के। अब इसके आगे हमें क्या करना है ध्यान दीजिए, जब मैं आपको चैप्टर 5.3 पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने एक रूल बताया था, एडेंडो एंड डिविडेंडो, उसमें जो मैं रूल बताया हूं उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया, एडेंडो कॉम्पोनेंडो एडेंडो एंड डिविडेंडो, ये कैसे रूल पे काम करता है, अगर आप वो नहीं जानते तो हमारे वीडियो में जाइए और खोजिए, सर्च कीजिए, थंबनेल में लिखा हुआ है, आप जानिए एडेंडो डिविडेंडो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो कैसे समझेंगे। तो चलिए हम यहां पर यूज करने जा रहे हैं एडेंडो एंड डिविडेंडो मेथड को, तो हम लिख सकते हैं एडेंडो एंड डिविडेंडो मेथड में होता क्या है कि ये जो ऊपर वाला होता है उसी को लिखा जाता है, और कैसे होता है चलिए लिख कर बताऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैंने x लिखा और नीचे भी मैंने क्या लिखा x, नीचे वाले को एक बार ऊपर में ले जाके प्लस कर दिया जाता है और एक बार माइनस कर दिया जाता है, यानी जो ऊपर में अंश होता है उसको दो बार लिख देते हैं जो भी रहे, और नीचे वाला जो हर होता है एक बार ऊपर में प्लस हो जाता है नीचे में माइनस हो जाता है, बराबर। यदि यहां पर मैं 1 ले लू, के नीचे क्या ले लो 1, तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं कि बटा के प्लस 1 और माइनस 1, ये कैसे हुआ है बाय एडेंडो एंड डिविडेंडो द्वारा इसको ऐसे किया गया है, योग और भाग प्रक्रिया द्वारा, हिंदी में क्या नाम होता है योग और भाग प्रक्रिया द्वारा ये हो गया।
अब चलिए इसको हम देखिए, ये वाला जो पोर्शन है अगर हम इसको ऐसे ले लें, इतना बराबर मैं क्या मान लू, इसको ऐसे ले लिया, ओ आर किया, एक्स प्लस वाई बराबर एक्स माइनस वाई इक्वल टू, इसको मैंने पी ले लिया, क्या मैंने मान लिया पी। अब पी मैंने क्यों इसको मान लिया हूं, देखिए मैंने लिख दीजिए के प्लस वन बराबर के माइनस वन इक्वल टू पी, मैंने मान लिया पी, मैंने क्या लिया मान लिया, तो इसके जगह पे मैंने क्या रख दिया, पी रख दिया। क्लियर हो गया बात। अब चलिए देखिए, अब हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर, यानी पी यहां पर एक कॉन्स्टेंट है, पी यहां पर भी किस रूप में यूज मैंने किया, कॉन्स्टेंट के रूप में, यहां पे कॉन्स्टेंट लिख देते तो ज्यादा अच्छा रहता, कॉन्स्टेंट पी इक्वल टू जो हो रहा है वेरिएशन कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट वेरिएशन क्या हो जा रहा है, कॉन्स्टेंट, ये ज्यादा बेहतर वर्ड होगा। तो चलिए अब मैं एक्स प्लस वाई बराबर ये क्रॉस गुणा होकर क्या हो जाएगा, पी कोष्ट में लिख दीजिए, ये गुणा हो रहा है एक्स माइनस वाई। आपको इस सवाल को प्रूफ करने के लिए ऐसा सब करना पड़ रहा है, आप जरूर समझ रहे होंगे। इसके लिए मैंने क्या मान लिया, पी वेरिएशन कॉन्स्टेंट इसको मान लिया, स्थिरांक के रूप में मैंने पी को क्या किया यूज किया, और इसके और ये क्रॉस गुणा हो गया इसके साथ, देखिए एक्स और वाई जो हुआ क्रॉस गुणा होकर क्या बन गया, पी एक्स माइनस वाई बन गया। अब देखिए इसको अगर हम लिखेंगे तो अगर मैं ये कॉन्स्टेंट को हटा रहा हूं, वेरिएशन कॉन्स्टेंट को, तो मैं कैसे लिख सकता हूं, एक्स प्लस वाई प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स माइनस वाई। ओके, ये होता है हमारा प्रूव्ड हो गया। हमें यही बोला था कि आपको दिखाए कि जो मैंने यहां पे दिखा दिया, ये देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, आप कॉन्स्टेंट कुछ भी मान सकते हैं, के मानिए, एम मानिए, ए मानिए, बी मानिए, जो आपको अच्छा लगे मानिए। तो यहां से पी हटकर मैंने ये हटा तो ये मैंने प्रोपोर्शनल का चिन्ह दे दिया। आप जानते हैं कि जो प्रोपोर्शनल हट के बराबर का चिन्ह होता है, तो बराबर हट के क्या हो गया, प्रोपोर्शनली ही वो हड्डी तोड़ पढ़ाई। उसके बाद पी को हटा दिया मैंने, कॉन्स्टेंट जो था हटा सकते हैं। अब देखिए इसके साथ ये जाकर प्रूव हो गया, और यही पर आपका जो सवाल भी हुआ ये सोल्व हो गया। ये सवाल नंबर एक जैसा बनने जा रहा है, आप देखिए इसको कैसे आसानी से सोल्व किया जा सकता है। मैंने लिखा ए इनवर्स प्रोपोर्शनल वन बाय सी, इसको हम लिख सकते हैं हुआ ए प्रोपोर्शनल का चिन्ह किसमें बदल जाएगा, बराबर में। यहां पर मैंने के लिखा, ये लिख दीजिए वन बाय सी, मैंने लिख दीजिए लिख दिया, चूंकि के इक्वल टू वेरिएशन, वेरिएशन कॉन्स्टेंट, सीओ एन एस टी ए एन टी, वेरिएशन कॉन्स्टेंट हो गया। अब देखिए हम लिख सकते हैं कि ए बराबर के बाय सी लिख सकते हैं। फिर हमारा क्या आ जा रहा है, यहां पे जो आ रहा है सी इनवर्स प्रोपोर्शनल, ये क्या हो जा रहा है बी, ठीक है, इनवर्स वेरिएशन क्या हो गया, प्रोपोर्शनल बी हो गया। तो इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, ओ आर सी बराबर, यहां पर आपके मत मानिए, प्रॉब्लम हो सकता है थोड़ा, यहां पर मैंने पी मान लिया, पी वन बाई क्या हो गया बी, और लिख दीजिए चूंकि P इक्वल टू वेरिएशन, मैं मान सकता हूं, इसमें क्यों नहीं मान सकता हूं, वेरिएशन, जरूरी थोड़ा ना है कि सिर्फ एक में कॉन्स्टेंट मानेंगे हम, वेरिएशन कॉन्स्टेंट। चलिए ये हो गया वेरिएशन कॉन्स्टेंट, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C इक्वल टू पी बाई बी हो गया। अब देखिए C का मान ये आ गया, फिर देखिए यहां पर हम क्या कर सकते हैं, ए ए का मान जो हमारा क्या आया था, ए इक्वल टू के बाई सी आया था, ओके, और देखिए यहां पे सी का मान क्या आया, के बाई बी, तो हम यहां पे लिख सकते हैं हुआ ए बराबर के सी को हटा दीजिए इसको, हटाइए इसको, और सी का जो मान है यहां पर, सी का मान क्या है, पी बाई बी, पी बाई बी यहां पर क्या कर दीजिए, पुटअप कर दीजिए, ओके, यहां पर लिख दीजिए सी का मान रखने पर, सी का मान रखने पर, आपने सी का मान रख दिया, ओके। अब इसको आगे कैसे करेंगे, थोड़ा सतेज हो रहा है जगह, इसको आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको इरेज करने वाला हूं, ओके। तो चलिए
अब इसको आगे अगर डेवलप मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा, ओआर मैंने दिया ए इक्वल टू के और ये चेंज होकर क्या हो जाएगा इनटू, ये इनटू में बदलेगा ये बटा बी बाई क्या हो गया पी, ओके बी बाई क्या हो गया पी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओ आर ए बराबर के बी बटा पी हो सकता है, के बी बटा क्या हो सकता है पी। तो यहां पर देखिए हमारे जो प्रूफ करना है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी, तो यहां पे के बाई पी एक्स्ट्रा आ गया है, तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं ओ आर ए इक्वल टू बी। हम कब कर सकते हैं, जब हमारे यहां पर हो गया के, यहां पे एक लाइन अभी रुक जाइए, इसको हम लिख दीजिए ए बराबर, इसके लिए मैं ए मान लूंगा और बी लिख दूंगा। कब ऐसा हो सकता है, जब आप केपी बराबर एम कॉन्स्टेंट मान लिया, यानी एम एक स्थिरांक मान लिया, ओके। ये कब संभव हुआ, जब हम केपी बराबर क्या मान लिया एम एक स्थिरांक मान लिए, तो ये केपी की जगह पे मैंने एम रख दीजिए और बी जो इसी तरह रहा। अब इसको हटा सकते हैं आप एम को, एम जो था एक कॉन्स्टेंट था, तो इसको हम ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी कर सकते हैं और यही आपका हो गया प्रूव्ड हो गया। आपने इसको दिखा दिया यहां पर कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी हो गया, ठीक है। ये जो एम था ये तो कॉन्स्टेंट है, ये तो हट सकता है, तो आप इसे जरूर समझ गए होंगे। तो आपको वीडियो मेरा कैसा लगा, आप क्या आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।